रायपुर में सब्जी व्यापारी कल्याण संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के सभी व्यापारी शामिल हुए। बैठक में व्यापारियों ने मोहब्बत बाजार में न बैठने का निर्णय लिया है। लंबे समय से चल रही मांग को लेकर टाटीबंध बाजार स्थल में जगह की मांग की गई है। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं मिलती हैं। वहीं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने बातचीत की है। साप्ताहिक फुटकर सब्जी व्यापारी संघ आज बैठक चल रही है इनकी। इनकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि टाटीबंध में जो जगह है बाजार है, इनको बैठने का जगह नहीं मिल रहा था। इसको लेकर आज ये लोग का मोह बाजार में बाजार का दिन है उसको बंद किए हैं। हमारे साथ मौजूद है पदाधिकारी। आप लोग की क्या मांग है, क्या समस्याएँ आप लोग की, क्यों आज बाजार बंद किए? हम लोगों का सबसे पहले आज मांग ये है कि विगत 2 साल से कोरोना काल जब से चालू हुआ था उस समय तक साप्ताहिक फुटकर सब्जी व्यापारी कल्याण संघ द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं हुआ था। लेकिन अभी हम लोगों को बीच में सूचना मिला है कि अभी जो भारत माता बाज़ार है उसमें शासन द्वारा व्यापारियों को हटाकर व्यावसायिक दुकान बनाने की तैयारी हुई है और उसका भूमि पूजन हो चुका है। आज हम उसका भी विरोध करते हैं क्योंकि आपने बगैर साप्ताहिक फुटकर सब्जी व्यापारी कल्याण संघ को सूचना दिए वहाँ पे भूमि पूजन किए हैं। जैसे हम 40 वर्ष से वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारी हक बनता है कि हमको भी वहाँ से मतलब बताना चाहिए कि यहाँ पर ये परिसर बन रहा है या कोई भी चीज़ तो किसके लिए बन रहा है, ये कोई मतलब अभी तक जानकारी नहीं मिली है। और अचानक हमारे सब्जी भाइयों को वहाँ से हटा देंगे तो हम लोग कहाँ व्यवसाय करेंगे? या तो हम लोग को वो जगह दें या तो फिर वहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सब्जी व्यापारी हैं।